सो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15. फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. इस क्वेश्चन में हमें 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन डेटा में सबसे पहली चीज जो गिवन है दैट इज H1, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स. और ऑब्जेक्ट हम कैसा मानते हैं? ऑब्जेक्ट हम मानते हैं लेफ्ट साइड में और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है मतलब इसका साइन होगा पॉजिटिव. देन 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये 10 सेंटीमीटर्स जो दिया है दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स. नाउ हमने ये माना था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे. तो लेफ्ट में रखेंगे मतलब जो डिस्टेंस लेंगे हम पोल से लेफ्ट साइड में मूव करने पे ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे, तो दिस डिस्टेंस विल बी इन द निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. दैट्स वाई यू इज इक्वल्स टू -10 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स. फोकल लेंथ इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर्स. नाउ सिंस दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस इज गिवन एज अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स वाई फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव फोकल लेंथ हम मानेंगे, कॉन्वेक्स लेंस हमने माना है. देन ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, तो 15 सेंटीमीटर्स हमें फोकल लेंथ दे दी. नाउ ही इज आस्किंग सो टू फाइंड वी नीड टू फाइंड वी, दैट इज पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन पोजिशन, नेचर एंड साइज. वी देन नेचर देन साइज को हम लिख देते हैं H2. इन तीन चीजों को हमें पता करना है, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. ओके सॉल्यूशन हम जानते हैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. यस, वन एंड ओनली लेंस फॉर्मूला. एंड लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ, वी एंड यू, एफ की जगह हम लिख सकते हैं +15. सो 1/+15 विल बी इक्वल्स टू 1/V एज इट इज माइनस 1/U की जगह हम लिख सकते हैं दिस वन, दैट इज -10. सो दिस इज -10. नाउ इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 1/15 इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/10, बिकॉज ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे सो इट विल बी +10. देन 1/15 इज माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/V. जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट वी इज इक्वल्स टू 15 × 10 अपॉन 10 − 15. सो वी विल बी इक्वल्स टू −15 × 10/5 एंड यू कैन सॉल्व दिस, यू विल गेट −30 सेंटीमीटर्स. दिस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है −30 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी हमारे लेंस के लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है. अगर हम इस तरह से खड़े होकर देखें, सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेंस है इस लेंस में, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो इसकी इमेज कहीं यहां फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर्स, सॉरी 10 सेंटीमीटर्स.
दिस वन, लेकिन इमेज फॉर्म हो रही है 30 सेंटीमीटर्स पे, मतलब पोल के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी में कंपेयर किया जाए तो इमेज ज़्यादा दूर पे है, लेकिन इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऐसा हम देख सकते हैं बिकॉज -30 आ रहा है। सो अगर कॉन्वेक्स लेंस की केस में इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तब हम क्या कहते हैं, इमेज जो होती है वो क्या है, वर्चुअल इमेज। तो नेचर की अगर बात करें इमेज की, तो नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल, बिकॉज जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है। अगर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हम कंपेयर करें तो रियल इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है। अगर लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड में इमेज फॉर्म होती है, अगर राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट में इमेज फॉर्म होती है। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज की बात करूं या कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज की बात करूं, तो वर्चुअल इमेज हमेशा आप देखेंगे कि सेम साइड में फॉर्म होती है। ये इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही है, ये ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा और आपने इसको यहां से देखना शुरू किया, दिस इज योर आई, हमने इस आई से यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखाई देता है। और ये किस तरह से दिखता है, हमने इसे रे डायग्राम में सीखा है। तो इट मींस अगर मैं आंख यहां पे रखूं, मैं यहां से देखूं, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी मुझे फॉर्म होती दिखाई दे रही है। लेकिन रियल इमेजेस के केस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो इमेज इस तरफ होती है, हमेशा अपोजिट साइड में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सेम साइड में, दैट्स वाई हम कहेंगे इमेज जो है वो वर्चुअल है। नाउ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। देन नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, देन वी नीड टू फाइंड द साइज। ओके, सो साइज हम पता कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, एम एम इज इक्वल्स टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू -30 अपॉन -10, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। सो हमने सीखा है जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है, इट मीन्स जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज एनलार्ज्ड इमेज, एक बड़ी इमेज हमें फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है। देन अब हमने मैग्निफिकेशन पता कर लिया, क्या हम साइज ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, वी कैन से एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल्स टू 3, वेयर 3 इज दिस मैग्निफिकेशन एंड एच वन इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर्स। सो जब हम एच वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, वी विल गेट एच टू इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज एच टू, सो एच टू कैलकुलेट कर लिया। इमेज का नेचर हमने बता दिया, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज है, और हमने पोजीशन इमेज की बता दी, और यही 3 चीज हमसे पूछी गई थी। सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो वी हैव डिस्कस 9th क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट सेज Where should object be placed in order to use a convex lens as a magnifying glass? मुझे अगर एक convex lens को एक magnifying glass की तरह use करना है तो मैं object को कहाँ पे रखूँ? कहाँ पे रखने का मतलब कि आप उस lens के pole के respect में कहाँ पे उस object को place करें? क्या आप focus पे place करें? क्या focus और pole के बीच में place करें? क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करें? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस करें या इन्फिनिटी पे प्लेस करें? इन सभी सिचुएशंस को हम एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस पे हम बताएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर यूज, मतलब मुझे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है तब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली चीज क्या है। So let us discuss magnifying glass. Magnifying glass. What is a magnifying glass? Magnifying glass
इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मैग्निफाइंग ग्लास क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है, एक बड़ी इमेज हमें दिखाता है. अगर हम ध्यान से सोचें तो मैग्निफाइंग ग्लास को हम किस तरह से यूज करते हैं. अगर हम मैग्निफाइंग ग्लास को देखें तो इट इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस और उसके नीचे एक ऐसा डंडा लगा होता है, ऐसा एक हैंडल, ताकि आप उसको ऐसा होल्ड कर सके. आप होल्ड करके उसको इस तरह से देखते हैं, ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है. तो अगर आपको लेट से ये लेटर्स को पढ़ना है तो आप इसको ऐसा सामने से देखेंगे. जब आप इस लेंस में यहाँ से देखेंगे तो आपको ये लेटर्स बड़े दिखाई देते हैं, इनका साइज बड़ा दिखाई देता है. तो ये किस तरह का फिनोमेना हो रहा है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. हम ये कहते हैं कि अगर लेट से यहाँ पे दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पे कोई लेटर लिखा हुआ है, समथिंग लेट से स्मॉल ए, ऐसा कुछ लेटर लिखा हुआ है. मैं इस लेटर को बड़ा करके देखना चाहता हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में पकड़ा और मैं इस लेटर को देखने लगा. नाउ अब मैं इस लेटर को देख रहा हूँ इस तरह से, और ये लेटर मुझे बड़ा होके दिख रहा है कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिख रहा है ये, ऐसा लेटर है ये. नाउ जब मैंने इस लेंस को ऐसा पकड़ के इस लेटर को देखा तो इस वक्त मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट ये है, दिस ए लेटर इज माय ऑब्जेक्ट. और यहां से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरी आंख है, दिस इज माय आई. मैं यहां से इस लेटर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. और इस लेटर को मुझे देखने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है. ये यूज करके मैंने देखा कि ये लेटर मुझे ऐसा नहीं दिखता, ये लेटर मुझे ऐसा दिखाई देता है. तो ये जो बना, दिस इज माय इमेज, ये मेरी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है इस तरफ, और इमेज भी इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रही है इस डायरेक्शन में. इसका मतलब जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ होता है उसकी इमेज भी उसी तरफ दिखाई देती है, सेम डायरेक्शन में दिखाई देती है. कभी ऐसा नहीं होता कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होल्ड करके इस लेटर को देख रहे हो तो आपको इमेज पीछे दिखाई दे रही है, ऐसा कभी नहीं होता. पीछे दिखेगी तो आप फिर उसे देखेंगे कैसे? ओके, सो इट मींस जब मैं इसको ऐसा होल्ड करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा दिखाई देगा. ये ऑब्जेक्ट इस वक्त लेफ्ट साइड में है और इमेज भी इसकी लेफ्ट साइड में ही होगी. तो हम देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइड में बनती है तो रे डायग्राम का कौन सा केस अप्लाई होता है इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में? याद कीजिए, हमने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्लोज करते गए थे और फाइनली एक इमेज बनी थी जो कि ऑब्जेक्ट की सेम साइड में ही थी, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज थी. और ये केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा था. अगर मैं इस ए लेटर को, इस लेंस को अगर मैं ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं, सो दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर लेट से फोकस. तो अगर आप इस ए लेटर को फोकस और पोल के बीच में ला के देखेंगे तो आपको ये लेटर ऐसा दिखाई देगा एंड वी विल से कि यस, दिस लेंस इज वर्किंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. सो मैग्नीफाइंग ग्लास का बिल्कुल सिंपल फंडा है, आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में रखिए. बीच में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, फोकस पे, फोकस से अंदर और पोल से पहले, आप कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ये इमेज हमें बनती हुई दिखाई देगी. नाउ ये इमेज कैसी होती है? ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है, ऐसा हमने पढ़ा था. तो इट मीन्स हम मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए और क्या कह सकते हैं? वी कैन से कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एनलार्ज इमेज दिखाता है, एंड सेकेंड
सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट इट एज इट ऑलवेज शोज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखाता है. कौन? मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस. नाउ इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन F एंड P. फोकस और पोल के बीच में अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करेगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल से आंसर इज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now we will discuss. So we have completed question number 10. This is question number 10. Now we will discuss question number 11. Question number 11 says, a small object is so placed in front of a convex lens of 5 cm focal length that a virtual image is formed at a distance of 25 centimeters. Find magnification. Okay. So, हमें ये कह रहा है कि जो convex lens हम use कर रहे हैं उसका focal length है 5 centimeters. Convex lens का focal length given है हमें 5 centimeters और हम जानते हैं कि convex lens का focal length कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो इट इज प्लस 5 सेंटीमीटर्स. देन वो कह रहा है कि एक इमेज जो फॉर्म हुई इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है और इमेज का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर्स. नाउ इस क्वेश्चन में सबसे खास बात यह है कि आप इस इमेज के डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन प्रॉपरली पता कर लें. अगर आपने साइन कन्वेंशन सही से पता कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और अगर आपने गलत साइन कन्वेंशन लिया तो भी आंसर आएगा लेकिन वो इनकरेक्ट होगा. मींस इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट होगा. ओके क्यों ऐसा होगा? बिकॉज यहां पे गिवन है कि इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. सो वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? हमने कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग केसेस देखे और सिर्फ एक ही केस देखा था जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. और वर्चुअल इमेज कहां पे फॉर्म होती है? सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरफ लेंस के ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. दैट मींस अगर मैं एक ऐसा लेंस अज्यूम करूं कुछ इस तरह से, सो यू विल फाइंड कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है तो इसकी वर्चुअल इमेज भी यहीं पे दिखाई देगी. इट मींस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव डायरेक्शन में है और इमेज की दूरी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है. दैट्स व्हाई वी विल से कि ये इमेज का डिस्टेंस विल बी -25. नाउ इट बिकम वेरी इजी. क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए जस्ट यू नीड टू फाइंड. सो टू फाइंड क्या करना है हमें? M, that is magnification. और इस magnification को find करने के लिए you need to find U, that is the object distance. अगर आप object distance को सही से पता कर सकते हैं तो आप बहुत आसानी से magnification को निकाल सकेंगे. Now, U पता करने के लिए हम क्या करेंगे? We will use the one and only evergreen formula, lens formula. ये formula सदाबहार है. इस फॉर्मूले में कभी कोई गलती नहीं है. आप बिल्कुल खुशी से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं.
कोई परेशानी नहीं होगी। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको सीधा s का f का वैल्यू रखना है, देन आपको v का वैल्यू रखना है और u के लिए सॉल्व करना है, देन यू विल गेट u, और u आ जाएगा, देन यू कैन अप्लाई मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन से वी अपॉन यू, देन यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट योर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज इजी। जस्ट ट्रिक जो जस्ट कैच यहां पे यूज था, वो कैच सिर्फ वर्चुअल इमेज वाले शब्द का था, कि इसका साइन कन्वेंशन प्रॉपर पता करना आवश्यक है। अगर आप इसका साइन कन्वेंशन गलत पता करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज, आई विल नॉट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 फुल, आई विल जस्ट गिव द हिंट, मैं सिर्फ हिंट बता दूंगा, मैं पूरी तरह से इसे सॉल्व नहीं करूंगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज सो फॉर्म एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन डेटा, गिवन डेटा इज ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज h1 विच इज 3 सेंटीमीटर्स, एंड व्हाट अबाउट साइन कन्वेंशन, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। ये हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम अज्यूम करते हैं। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैंने उस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। 15 सेंटीमीटर की दूरी किस डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम इन द लेफ्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है तो इसके लेफ्ट डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर्स विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है f, विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, बट इट इज पॉजिटिव बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमने सीखा है पॉजिटिव होता है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस, सो टू फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, देन साइज ऑफ इमेज, देन नेचर। सो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है, एंड व्हाट अबाउट सॉल्यूशन, अगेन वी विल यूज सेम लेंस फॉर्मूला, यू जस्ट अप्लाई 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सॉल्व फॉर यू हैव u, देन यू हैव f, यू नीड टू कैलकुलेट v, इसमें बस हमें f का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, देन u का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, और फाइनली v के लिए कैलकुलेट करना है, और v के कैलकुलेशन के बाद वी विल यूज मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके h2 को पता कर सकते हैं, एंड अगर हमें h2 मिल गया और v मिल गया, देन बड़ी आसानी से हम नेचर भी बता सकते हैं। सो दिस इज द हिंट, ये सिर्फ आपको इसके फर्दर सॉल्व करना है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज लेफ्ट। ओके, सो यू कैन नोट दिस।